या नर्मो मुलायम बना सकते हैं। साथ ही मैं आपको ये बताते चलूं कि आप इस नुस्खे को अपने बाजुओं पर और हाथों पर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन चेहरे पर इसको अप्लाई मत कीजिएगा। तो जल्दी से अज्जा की तरफ चलते हैं। उसके लिए आपको नारियल का तेल आधा टीस्पून चाहिए, जैतून का तेल भी आधा टीस्पून चाहिए, ब्राउन शुगर आधा कप चाहिए, शहद 2 खाने के चम्मच और खसखस 1/4 यानी आधे में से आधा टीस्पून, 1 टीस्पून का चौथाई हिस्सा। ठीक हो गया। इन तमाम चीजों को आपने बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे फ्रिज में रख लीजिए। और आपने अब क्या करना है, इसे अपने पाँव पे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपने 5 मिनट अपने पैरों पर अच्छी तरह से मसाज करना है। अगर आप अपने हाथों पे भी अप्लाई करें, बाजुओं पे भी, तो आप इसे जो है वो 5 मिनट ही मसाज कीजिए। साथ में भी बताती चलूं कि इसे चेहरे पर अप्लाई नहीं करना आपने, और इस नुस्खे को हाथों पाँव और बाजुओं के लिए वॉइल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, 5 मिनट मसाज करने के बाद आपने ठंडे पानी के साथ अपने पैरों को धो देना और बस दर्द से इतना ही है। हफ्ते में 2 बार आपने इसको इसी तरह से इस्तेमाल करना है। इसको आप फ्रिज में बना के रख सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। ये जितने मिकदार में आपको बताया, ये आपका 2 से 3 दफा इस्तेमाल हो जाएगा। डिपेंड करता है कि आप सिर्फ पैरों पर इस्तेमाल करें या हाथों बाजुओं पर भी इस्तेमाल करें। तो अब आप लोगों को बताती चलूं कि ये बहुत ही इजी है, लेकिन इसको कोई छोटी सी टिप समझ के इग्नोर मत कीजिएगा, जो तकरीबन मैं आपको अपने ऑलमोस्ट सभी वीडियोस में बताती हूँ, क्योंकि ये चीजें जो है ये नेचुरल है, बिल्कुल इनसे रिजल्ट मिलता है। थोड़ी सी जो है वो हौसले और सब्र से काम अगर आप लें तो आप देखें कि इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा, कि आपके पाँव अगर बेरौनक हैं, खुटते हैं, तो इससे बिल्कुल नरम मुलायम चमकदार और इसके ऊपर जो छुटते निशान दाग धब्बे वगैरह होंगे वो भी खत्म हो जाएंगे। इसके रेगुलर इस्तेमाल से, एक दफा करने से ये नहीं कहना चाहिए कि इसका कोई रिजल्ट नहीं है। आप इसको 5-7 दफा करिए, आपको फर्क महसूस होगा। ठीक हो गया जी। अब चलते हैं अपने आज के लेसन की तरफ, और आज के लेसन में आपको ये कहना चाहेंगे, बहुत छोटी सी मगर बहुत गहरी बात, कि भरोसा एक शख्स तोड़ता है और एतबार हर शख्स पर से उठ जाता है। इस बात पे गौर करिएगा, बल्कि अमल भी करिएगा, कि जब हम पे कोई इंसान एतमाद करता है, यकीन कर लेता है, तो हमें उसके भरोसे को बरकरार रखना चाहिए, ताकि वो हमारी वजह से बाकी लोगों पे भी एतमाद कर सके, ना कि हम उसके एतबार को जो है वो तोड़ें और वो आइंदा किसी पर एतबार करने के काबिल ना रहे। तो इस तरह से हम तो खराब होंगे, साथ में दूसरे लोग भी खराब होंगे। उम्मीद करती हूँ कि इससे आप कोशिश करेंगे कि बात को समझ जाएं और अमल भी करें। और अगर आपको आज का लेसन और वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। जो नए दोस्त हैं उनसे रिक्वेस्ट करके चलो कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन नजर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करिए। उसके साथ एक बेल आइकन बन जाएगा, उस पर भी क्लिक करें। उससे ये होगा कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप सबसे पहले मेरी वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा जो बात वीडियो के अंदर बताई जा चुकी हो उसके अपने कमेंट्स में प्लीज मत रहिए। वीडियो को पुनः सुनिए, तमाम आपके सवालों का जवाब वीडियो के अंदर मौजूद है। और कोई अच्छी बात जो मैं वीडियो में ना बताई उसे आप कमेंट्स के जरिए पूछिए। अब मुझे दीजिए इजाजत, नई वीडियो लाने तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना, और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे। तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच